पकड़े दो पत्रकारों की स्कॉर्पियो से कुचलकर हत्या पर बवाल जारी, गुस्साए लोगों ने की आगजनी। पत्रकारों की हत्या के विरोध में आज शहर में बुलाया गया बंद, सड़कों पर सन्नाटा। मारे गए दोनों पत्रकारों का आज परिजनों ने किया अंतिम संस्कार, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी। पत्रकारों की हत्या में मुख्य आरोपी पूर्व मुखिया हरसू मियां गिरफ्तार, एसआईटी टीम ने उसके गांव से दबोचा। परिजनों के मुताबिक एक खबर को लेकर पूर्व मुखिया से था विवाद, जान से मारने की धमकी दी थी। आरा में दो पत्रकारों की हत्या को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा, आरजेडी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आरजेडी का प्रदर्शन, नीतीश का इस्तीफा मांग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, मेरे बेटे ने कोई अपराध नहीं किया, मुझे उस पर गर्व, एफआईआर को बताया झूठ का पुलिंदा। अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अर्जित शाश्वत ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में दी अर्जी। बिहार के औरंगाबाद में कल रामनवमी पर जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू, तनाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क। मध्य प्रदेश के भिंड में बाइक पर जा रहे पत्रकार की ट्रक से कुचलकर मौत, परिजनों को हत्या कर। 35 साल के संदीप शर्मा ने रेत माफिया और एक पुलिस अधिकारी का किया था स्टिंग ऑपरेशन। संदीप को ट्रक से कुचलने की वारदात सीसीटीवी में कैद, एसपी ने एसआईटी जांच का आदेश दिया। पत्रकार को कुचलने के बाद खाली ट्रक छोड़ फरार हुआ ड्राइवर, अब तक नहीं मिला सुराग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजकोट में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल खाक। दमकल की 9 गाड़ियों ने करीब 6 घंटे बाद आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पेट्रोल से भरे टैंकर में आग, ड्राइवर झुलसा। गाजियाबाद के मोदी नगर में बीच सड़क चलती कार में लगी आग, गाड़ी में सवार लोगों की बाल बाल बची जान। दिल्ली के उत्तम नगर में पुलिस वाले की बाइक में लगी आग, हादसे में कोई घायल नहीं। भीमा कोरेगांव मामले को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में दलितों की महारैली, संभाजी भिंडे की गिरफ्तारी की मांग। राजस्थान के बूंदी में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने बुलाया बंद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के गश्ती दल पर आतंकी हमला, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मुंबई के देवनागर डंपिंग ग्राउंड में फिर लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर। बॉल टैंपरिंग विवाद में फंसे स्टीव स्मिथ से छिनी राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी, अजिंक्य रहाणे को कमान। डेटा लीक के आरोपों पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान जारी, राहुल ने नमो ऐप का हवाला देकर पीएम को बताया जासूसी का बिग बॉस। राहुल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा नमो ऐप से चोरी छिपे होती है डेटा की रिकॉर्डिंग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल पर कसा तंज, कहा छोटा भीम भी जानता है ऐप पर मांगी गई जानकारी का मतलब जासूसी नहीं होता। स्मृति ईरानी ने पूछा, क्या राहुल बताएंगे कांग्रेस अपनी डेटा सिंगापुर के सर्वर्स में क्यों भेजती है। कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक ऐप डिलीट, गूगल प्ले स्टोर से डिलीट किया गया पार्टी का मोबाइल ऐप। एसपी से साठगांठ पर बोली मायावती, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन। मायावती ने कहा, हमारा एसपी के साथ गठबंधन स्वार्थ के लिए नहीं, देश हित में किया गया। मायावती ने कहा, राज्यसभा में बीएसपी उम्मीदवार को साजिश के तहत हराया गया। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो की पार्टी विधायकों संग बैठक, एसपी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा। 2 दिन के दौरे पर कर्नाटक पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, टुमकुर में श्री सिद्धगंगा मठ का दौरा। दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे अन्ना हजारे से मिलने पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन, कहा कल शाम तक खत्म हो सकता है अनशन। कल अन्ना हजारे से मिलने जा सकते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आज अन्ना के अनशन का 4th दिन। पंजाब में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला जारी, रोपड़ में कर्ज से परेशान किसान ने खुदकुशी की। कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में जाने को लेकर उठे सवाल पर बोले पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं शो में जाता रहूंगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदू संगठनों को चेताया, कहा यह बंगाल है, यहां राम के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। संभल में बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 5 की मौत। बाराबंकी में नाबालिग को अगवा कर बदमाशों ने किया गैंग रेप, कोई गिरफ्तारी नहीं। महाराजगंज में दिव्यांग लड़की से गैंग रेप, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। यूपी में बेखौफ अपराधी, मैनपुर में किसान से
लूटपाट के बाद गोली मारकर हत्या। झांसी के राजपूत नगर में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। शाहजहांपुर में छात्रा के घर ट्यूशन टीचर का शव मिलने से हड़कंप, सीने पर गोलियों के निशान। कन्नौज में धार्मिक मेले में महिला से छेड़खानी पर बवाल, दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी। जालौन में दारोगा की गुंडागर्दी, बीजेपी नगर महामंत्री की शिकायत पर युवक को मार मार कर अधमरा किया। उन्नाव में बीएसपी विधायक अनिल सिंह के भाई और उनके परिवार पर हमला, 5 हिरासत में। गाजियाबाद के डासना में बाजार में खड़ी बाइक ले उड़ा चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मेरठ में झुग्गी बस्ती में आग का तांडव, सैकड़ों लोगों का आशियाना उजड़ा। गोंडा में एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिलने से मरीज बेहाल, 4 घंटे इंतजार के बाद भी सुविधा नदारद। गोंडा में भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री आलिशा रावत से फोन पर मांगी गई 5 लाख की रंगदारी, थाने में केस दर्ज। मेरठ में सेल्फी के चक्कर में छात्र की मौत पर परिजनों का थाने में हंगामा, आरोपी छात्राओं से मारपीट की कोशिश। मुजफ्फरनगर में बकाया वेतन नहीं मिलने से नाराज चीनी मिल मजदूरों का प्रदर्शन, सरकार से मांगी इच्छा मृत्यु। पटना में पॉलिटेक्निक के छात्र की संदिग्ध हालत पर बवाल, गुस्साए छात्रों ने सड़क पर जान लगाई। मधुबनी के जयनगर में लूट का विरोध करने पर कपड़ा कारोबारी कुमारी गोली, रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए बदमाश। मोतिहारी में एक नाव से भारी मात्रा में शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। झारखंड में बीजेपी नेता पंकज लाल गुप्ता हत्याकांड की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, 6 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में निर्दयी मां ने नवजात बच्ची को दूसरी मंजिल से फेंका, दूसरी बेटी होने से थी परेशान। गुरुग्राम में कैब ड्राइवर की हत्या पर बवाल, गुस्साए ड्राइवर्स ने एक्सप्रेसवे पर लगाया जाम। हरियाणा के कैथल में ट्रक और कार में भिड़ंत, हादसे में 4 की मौके पर मौत। पानीपत में मनचले से परेशान होकर 30 साल की युवती ने लगाई फांसी, मामला दर्ज। लुधियाना में 40 किलो हेरोइन के साथ एसटीएफ के हत्थे चढ़ा एक शख्स, बाजार में 200 करोड़ रुपए की कीमत। गुरदासपुर में पंजाब एंड सिंध बैंक की महिला मैनेजर पर 2 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप। महाराष्ट्र में किसानों की नाराजगी बरकरार, बुलढाणा में 91 किसानों ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। महाराष्ट्र में फिर एक किसान का फसल तबाह करते वीडियो हुआ वायरल, बुलढाणा में खेत में तैयार फसल रौनता दिखा किसान। मुंबई के घाटकोपर में एक प्रोफेसर पर छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के पवई में एक कारोबारी ने नौकरानी पर किया जानलेवा हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कोल्हापुर में एक मूर्तिकार के पंडाल में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। मुंबई के नाला सुपारा में अगवा 6 साल की बच्ची का कत्ल, नवसारी रेलवे स्टेशन पर महिला टॉयलेट में मिला शव। महाराष्ट्र के अकोला में मासूम बच्चियों से दरिंदगी करने वाला शैतान गिरफ्तार, चॉकलेट देने के बहाने बनाता था शिकार। मुंबई के कुर्ला में झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, सैकड़ों परिवार बेघर। तेलंगाना के निजामाबाद में संतुलन खोकर सड़क किनारे कुएं में गिरा ऑटो, हादसे में 10 की मौत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में संदिग्ध आतंकियों ने लूटा बैंक, पुलिस ने की इलाके की घेराबंदी। भोपाल में छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, रास्ते में लगवाई उठक बैठक। बड़वानी में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस, पीड़ित ने की जमकर धुनाई। मध्य प्रदेश पुलिस का सामने आया बेरहम चेहरा, छतरपुर में 2 युवकों की खंभे से बांधकर पिटाई। कटनी में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास बाघ देखे जाने से हड़कंप, दहशत में खेतों में नहीं जा रहे किसान। दांतेवाड़ा जेल का डीआईजी ने किया निरीक्षण, 4 नक्सलियों के फरार होने के बाद सुरक्षा का जायजा। ओडिशा के कोरापुट में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। ओडिशा में चिकित्सा व्यवस्था की खुली पोल, कंधमाल जिले में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर महिला ने सड़क किनारे बच्चे को दिया जन्म। सूरत में सरकारी अस्पताल में बच्चा चुराने वाली महिला गिरफ्तार, सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस के हत्थे चढ़े छात्र लुटेरे, लूट का माल भी बरामद। राजकोट में पूर्व फॉरेस्ट ऑफिसर पर जानलेवा हमला, पूर्व विधायक महिपत सिंह जाडेजा और उनके लोगों पर आरोप। जोधपुर में फैक्ट्री मालिक और उसके मजदूरों की गुंडागर्दी, बिजली कनेक्शन काटे जाने पर बिजली कर्मियों पर किया जानलेवा हमला। झालावाड़ में एक तांत्रिक पर यौन शोषण का आरोप, शिकायत के बाद गिरफ्तारी नहीं। बांसवाड़ा में जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर के पास आग से अफरा तफरी, आग के कारणों का नहीं चला पता। कानपुर में एटीएम लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 9 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज में पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी बदमाश, साथ से चल रहा था फरार।
गुजरात के जूनागढ़ में धार्मिक आयोजन पर कलाकारों पर पैसों की बारिश, बीजेपी सांसद के साथ कांग्रेसी विधायक भी नोट लुटाते दिखे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 युवतियां समेत 10 गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज में बस और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में 30 श्रद्धालु घायल, 11 की हालत नाजुक। दिल्ली के गांधीनगर में आप विधायक अनिल वाजपेयी और उनके समर्थकों पर एक महिला ने लगाया बदसलूकी का आरोप, थाने में केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, 22 लाख के जेवर और कैश लेकर फरार। आईआईटी रुड़की में गुरु रंधावा के गीतों पर झूमे छात्र। रमन सिंह ने वेदांता ग्रुप के नए अस्पताल का किया लोकार्पण, आधुनिक तकनीक से होगा कैंसर का इलाज। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जेल में बंद कैदियों को साक्षर बनाने की पहल, 56 कैदियों ने दी परीक्षा। आम जनता के लिए खोला गया श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन, पहली बार दिखेंगे 3 नए तरह के फूल। उड़ीसा के मयूरभंज में ग्रामीणों ने चंदा पर बनाई सड़क, प्रशासन ने नहीं ली सुन। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।